तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 का लास्ट पार्ट। हमने ऑलरेडी चार पार्ट देख लिए, छोटे छोटे ही थे, हमने ऑलमोस्ट उसमें पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। और आज इस चैप्टर के बाद पूरा 8 चैप्टर फिनिश होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे 9 चैप्टर। ओके, अगर आपने पहले वो चार पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देखना, देन ये देखना, तो आपको एकदम चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं प्ले लिस्ट में आप जा सकते हो और देख सकते हो। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। Cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane. अब cilia और flagella कहाँ मिलेंगे हमको? तो सबको पता है ये सेल के ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर उसकी outgrowth, उसको हम क्या बोलेंगे, या तो cilia होगा वहाँ पे, या तो flagella होगा। तो हम देखेंगे cilia और flagella दिखते कैसे। Cilia are small structure which work like ओर्स। cilia कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, विच वर्क लाइक ओट्स। ओट्स का मतलब क्या होता है, जैसे बोट होती है, तो बोट में कैसे चक्कू से पानी को धकेल के हम आगे बढ़ते, ठीक है, वैसे ही सीलिया काम करता है। सीलिया सेल को आगे बढ़ाएगा, कोई भी मटेरियल को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्लियर सबको इतना। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। किस में हेल्प करेगा, किसकी मूवमेंट में, या तो सेल की या तो सराउंडिंग फ्लूइड की, ठीक है। तो सीलिया को आपको क्या रखना है, ओर्स, ठीक है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, किसके कंपेयर में, सीलिया के कंपेयर में लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और उसका मेन फंक्शन क्या है, तो सेल मूवमेंट, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोसेस फ्लैजिला। अब यहाँ पे यूकैरियोट में तो दिखेगा ही दिखेगा, ये प्रोकैरियोट में भी दिखेगा, ठीक है। बट दिस आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ा सीलिया और फ्लैजिला को, तब हमको क्या दिखा कि उनके पास कवरिंग है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। देयर कोर कॉल्ड एज एक्सॉन। समझो ये फ्लैजिला मैंने बनाया आपके सामने, ठीक है। इनके हम कोर, बीच वाले पार्ट, कोर को क्या बोलेंगे हम, एक्सॉन, ठीक है। एक्सोनॉमी, बहुत बहुत इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस है। पोसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। समझ गए। द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल। चलो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, हम डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। ये आपको सबको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ। इसमें आप देख सकते हो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है। ये आप ट्यूबल्स देख रहे हो, ठीक है। वो कैसे दो दो में अरेंज है, देख सकते हो आप, एक ऐसा एक उसके ऊपर, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डबलेट्स। तो ये कितने हैं टोटल, 9 है। आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। ये कितने हैं, 9। तो समझ के 9 है पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स डबलेट्स। क्लियर सबको इतना। और सेंटर में आप देख सकते हो आपको ये दो मिल रहे हैं, वो क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स। क्लियर सबको इतना। और उनके पास एक कवरिंग है, उसको बोलेंगे हम सेंट्रल शीथ, ठीक है। सेंट्रल माइक्रोट्यूबल की कवरिंग है, ठीक है, उसको बोलेंगे सेंट्रल शीथ। आप देख सकते हो वो दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है, पेरिफेरल से भी सेंट्रल से भी, दिख रहा है सबको, ये शीत दोनों से कनेक्टेड है। पेरिफेरल से किसके थ्रू कनेक्ट होगी, रेडियल स्पोक के थ्रू। क्लियर इतना सबको। अब हम रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द एक्सोनम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स, देख लिया हमने 9 डबलेट्स थे, ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स। देख लिया हमने कहाँ अरेंज थे, वो पेरिफेरी पे, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला उनको, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल। क्लियर सबको इतना। 9 थे डबलेट्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल। और सेंटर में कैसे ऐसे एक पेयर थी, ऊपर देखा था अभी ऐसा। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबल इट रिफर्स टू एज 9+2 एरे। 9+2 क्यों बोला हमने, 9 ऊपर हमने डबलेट्स देख लिए और सेंटर में ये दो देख लिए, तो हम क्या बोलेंगे, 9+2। क्लियर सबको इतना। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो एनक्लोज बाय सेंट्रल शीत। इनके ऊपर ऐसी हमने सेंट्रल शीत देखी अभी ऊपर, ठीक है।
विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट। अब देखा ये जो शीथ है ना सेंट्रल, वो डबलेट के साथ भी किसके रेडिकल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड थी, बट डबलेट में से जो एक ट्यूब्यूल है उसके साथ ही कनेक्टेड रहेगी। क्लियर सबको इतना? अभी हमने देखा दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, देख लिया। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, जो डबलेट्स है ना वो भी एक दूसरे में कनेक्टेड है, देखा हमने किसके थ्रू, लिंकर्स के थ्रू। बोथ द सीलिया एंड फ्लैजेला अमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल। अब आपको पता नहीं होगा सेंट्रियोल क्या है, अभी हम इसके बाद वही टॉपिक डिटेल में देखने वाले। क्लियर? क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। क्लियर? व्हाट इज सेंट्रोसोम? तो सेंट्रोसोम इज अ ऑर्गेनोल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम क्या है ये समझो, ये सेंट्रोसोम है, उसमें दो क्या होंगे, सिलेंड्रिकल शेप, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के, ठीक है, दो होंगे ऐसे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। क्लियर? ऐसे अंदर दो होंगे। दे आर सराउंडेड बाय अ एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल, उनके बाजू में क्या होगा, पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल। क्लियर? बोथ द सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम लाइ परपेंडिकुलर टू इच अदर, मैंने क्या बोला, ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, ठीक है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, कार्ट व्हील अभी दिखाएंगे हम। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, अभी हमने देखा था, ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे अभी हमको ऐसे बॉक्स बना, ये सर्कल बनाना है, जैसे ऊपर अभी हमने देखा था सीलिया और फ्लैजेला में, ठीक है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज ट्रिपलेट, वहाँ पे हमने डबलेट देखा था, यहाँ पे कैसे होगा, ट्रिपलेट। क्लियर सबको इतना? यहाँ पे कैसा होगा, ट्रिपलेट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, अभी जो ये तीन होंगे वो भी एक दूसरे से लिंक होंगे, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड एज हब, जहाँ यहाँ पे सेंट्रल पार्ट, बीच का एकदम पार्ट होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, हब। क्लियर सबको इतना? विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक, ऊपर हमने रेडियल स्पोक देख ली, ठीक है, यहाँ पे भी रेडियल स्पोक होगी और उससे वो कनेक्टेड होंगे। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या बनाता है, बेसल बॉडी फ्लैजेला और सीलिया का, एंड द स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिविजन इन द, ये आपको अभी स्पिंडल फाइबर इसे नहीं समझ आ रहा होगा, आपको सेल डिविजन वाले चैप्टर में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अन सेल ऑर्गेनोल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन, हमने सेल चैप्टर में यही पढ़ा था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने, किसमें, इन 1831। लेटर द मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई, ठीक है, वहाँ पे तब उन्होंने क्या किया था, ये स्टेन किया था, बेसिक डाई से इसको स्टेन कर दिया था, और कब, क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन, किसने नाम दिया था क्रोमेटिन, तो फ्लेमिंग, ये आप क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, याद रखना, फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन। द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच इज़ नॉट, अभी आप बोलोगे ये इंटरफेस क्या है, अब हम सेल डिवीजन में डिफरेंट डिफरेंट फेस देखेंगे, आगे चैप्टर आएगा सेल डिवीजन हम देखने ही वाले हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेस देखेंगे। इंटरफेस में क्या होता है, सेल का डिवीजन नहीं होता, वो वहाँ पे ग्रोथ होता है, ठीक है, हम आगे देखने वाले डिटेल में। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है, अभी क्या होता है इनके पास, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स and one or more spherical body called as nuclear, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये सब क्या है, तो देखो सेल के अंदर क्या क्या होगा, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर, ये आपके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे ही न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लियर। और ये आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे वो क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, देखो ये न्यूक्लियस का एनवलप है, उसमें
दो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, दो मेम्ब्रेन होगी, उसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इनकी ये स्पेस है ना, उनको क्या बोलेंगे हम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर। फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल है, समझो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, क्लियर, और ये न्यूक्लियर एनवलप है। तो उसने काम क्या किया, तो ये साइटोप्लाज्म का मटीरियल और न्यूक्लियस का अंदर वाला मटीरियल मिक्स नहीं होने दिया, क्लियर, तो अलग अलग रखा उसको, समझे अभी। तो फंक्शन क्या हुआ, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ऑलरेडी देखा जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी ना, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू होगी, एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम। जिसके पास, जिस ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर सबको इतना। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे ये इसके पास न्यूक्लियर पास दो मेम्ब्रेन है, तो कहीं कहीं पे ये क्या होता है, ये ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे फ्यूज होते, तो वो क्या बना लेते, पोर्स बना लेते। दिस न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मोलिक्यूल्स टेक प्लेस इन द बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ये इस पोर्स में से ही RNA और प्रोटीन मोलिक्यूल की मूवमेंट हो पाएगी। क्लियर, सेल से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। क्लियर सबको इतना। नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल। सबको पता है हमको एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। अब आप बताओ, एक से ज़्यादा किस में होता है न्यूक्लियस, हमने देखा था कुछ फंगाइस में होता है, याद करो चैप्टर में, ठीक है, हाइफी, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। तो किस में न्यूक्लियस नहीं होता, तो एरिथ्रोसाइट, मैच्योर स्टेज में RBC रेड ब्लड सेल को ही हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, हमने ये भी डिस्कस कर लिया है डिटेल में, ओके। वुड यू कंसिडर दिस सेल्स एज लिविंग। अब आप बताओगे ये क्वेश्चन कि ये सेल लिविंग हुए कि नॉन लिविंग, बिकॉज इनके पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं। क्लियर। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोसस एंड क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस मैट्रिक्स और द न्यूक्लियो, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस हमने देख लिया। अब आप बोलोगे हमको समझ तो आया नहीं न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, अभी हमको वही समझना है। द न्यूक्लिया, ये सेम ही हुआ, ठीक है, न्यूक्लिया और न्यूक्लियस सेम ही हुआ। और स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, गोल गोल मतलब स्फेरिकल, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये है, यहाँ पे समझो अगर न्यूक्लिया हुआ, तो आप बोलोगे कि ये और ये मिक्स, ऑफकोर्स उनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा यहाँ होगा, थोड़ा यहाँ, ऐसे मिक्स हो जाएंगे। क्लियर सबको। The content of nucleus is continue with the rest of the nucleoplasm. क्यों ऐसा होगा, मिक्स हो जाएंगे, बिकॉज न्यूक्लियर के पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज़ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम RNA सिंथेसिस। तो इसका फंक्शन आपको याद रखना है, न्यूक्लियर का फंक्शन क्या है, तो वहाँ पर एक्टिव RNA सिंथेसिस होगा। क्लियर। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिविटी कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लिया होंगे, उसमें जल्दी जल्दी क्या होगा, सिंथेसिस होगा RNA। ठीक है, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड एस क्रोमेटिन। अब हमने न्यूक्लिया तक बात कर ली, अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन की। ठीक है, तो क्रोमेटिन को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के पास अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्लियर। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अब
क्रोमोसोम क्या होता है? सबको पता है क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? डीएनए। क्रोमोसोम के पास क्या होगा? डीएनए। ठीक है, क्रोमाटिन कंटेंस डीएनए। अब क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन के पास अंदर क्या होता है? डीएनए। और क्या होता है? सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन। थोड़े बेसिक प्रोटीन्स कौन से होंगे? हिस्टोन। सम नॉन बेसिक प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। क्या क्या होगा क्रोमाटिन के पास? डीएनए, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर सबको इतना? अ सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्स 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। अब सबको पता है 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। अब इन सबका डीएनए निकालेंगे ना, तो वो डीएनए कितना लंबा हो सकता है? 2 मीटर्स। ठीक है, यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। मैंने बोला अभी आपको काफ़ी कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये मेन टॉपिक किसका है? क्लास 12 का है। ठीक है, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स एसेंशियल हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर। चलो अभी हम सेंट्रोमियर समझते। अब यहाँ क्या होगा? इनके ग्रीन ग्रीन के बीच में क्या होगा? इमेजिन कर लो, सेंट्रोमियर। क्लियर, और अब देखेंगे हम कि ये काइनेटोकोर क्या है। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। अब हम देखेंगे डिटेल में काइनेटोकोर्स क्या होता है। काइनेटोकोर्स ये आप सब देख सकते हो। अब हम देखेंगे आगे आके, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल डिवीजन में। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमाटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। अगर आपको अभी ये सब सीखना हो कि ये क्या है, न्यूक्लियस में इतना सब आपको नहीं समझ आता, तो सेल डिवीजन के भी चैप्टर की पूरी डिटेल में वीडियो अपलोडेड है। अगर आपको ऐसा हो कि मुझे ये नहीं समझ आया ठीक से, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना पैर जैसे, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमाटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमाटिड। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमाटिड। हमने क्या बोला? ये बीच में क्या होगा? सेंट्रोमियर। वो क्या करेगा? यहाँ पे 2 क्रोमाटिड को होल्ड करेगा। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड। अब ये जो हमने बोला ये बीच में सेंट्रोमियर है, इनकी पोजिशन भी डिपेंड पे अभी हम क्रोमोसोम को क्लासीफाई करेंगे। सबको दिख रहा है इतना? बीच में क्या होता है? सेंट्रोमेर, याद रखना, और उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमाटिड। क्लियर, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। अब फर्स्ट हम देख रहे हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, दिख रहा है सबको? इसमें सेंट्रोमेर कहाँ होगा? सेंटर में, तो ये 2 इक्वल दिख रहे हैं आपको, 2 इक्वल आर्म्स बने। क्लियर सबको? क्लियर, मेटासेंट्रिक। क्लियर, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? जो ये सेंट्रोमियर है ना, वो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो ये आपको 2 अनइक्वल दिखेंगे, ये शॉर्ट ये लॉन्ग दिखेगा। क्लियर, फिर हम आते हैं इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 एक्सट्रीमली लॉन्ग। ठीक है, चलो फिर हम देखेंगे इसमें। तो इसमें आप देख सकते हो कि सेंट्रोमियर बहुत बहुत ऊपर है, तो इसमें ये एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बना, ये एक्सट्रीमली लॉन्ग बना। क्लियर सबको इतना? फिर हम अब लास्ट देखेंगे, वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है, अब इसमें सेंट्रोमियर क्या है? देखो, एकदम ऊपर की एंडिंग वाले पार्ट पे है। ठीक है, तो ये कैसा बना देख सकते हो, एकदम टर्मिनल पे ये है। तो आपको अभी डायग्राम देख के आपको पहचान जाना चाहिए कि ये कौन सा क्रोमोसोम है। क्लियर, ये क्वेश्चन भी नीट में आ सकते, तो हम फिर से एक बार देख लेते। तो द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देख लिया हमने, उसमें क्या था? सेंट्रोमियर सेंटर पे था। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, बीच में से थोड़ा ही दूर होगा। ठीक है, फिर उसमें क्या बनेगा? एक शॉर्ट आर्म बनेगा, एक लॉन्ग बनेगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? बहुत एकदम टर्मिनल पे होगा, और फिर टेलोसेंट्रिक पे तो टर्मिनल पे ही होगा। क्लियर सबको इतना? या आप अगर आपको वापस देखना है डायग्राम, तो आप फिर से देख लेना। ठीक है,
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना और लाइक भी कर देना। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वो बनाऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।